ये बात अफसोस से कहनी पड़ती है कि मौजूदा बीजेपी पीडीपी सरकार जो है उसके 3 साल मुकम्मल होने के बाद भी एजेंडा ऑफ अलायंस जो पीडीपी ने मरकजी सरकार के साथ तय पाया था कागजी ही कार्रवाई है, अमलन उस पर कुछ नहीं हुआ है। और बुलंद बांग दावे किए जाते थे कि गोली नहीं बोली, सरहदें खामोश और पावर प्रोजेक्ट्स वापस लाए जाएंगे, तमाम फरीकैन बशमूल मजाहमती कयादत के साथ बातचीत होगी, देखने में क्या है, हालात बद से बदतर हो गए हैं, जंगबंदी लाइन तोपों और गोला बारूद की गन गरज से इस वक्त शोलों की नजर हो रही है, सरहदी आबादी अपने घर बार अपनी सारी जिंदगी की कमाई पीछे छोड़ के महफूज मकाम हैं, पाकिस्तान से बातचीत का सिलसिला जो हालात यहाँ के ठीक करने में कलीदी रोल अदा कर सकता है उसके बारे में मुखालफत हो रही है, खासकर जो पीडीपी के सहयोगी हैं रियासी हुकूमत में, कुठवा की वो मासूम 7 साल बच्ची साथ वैश्याना सलूक पूरे 7 दिन किया गया और नशावर दवाई खिला खिला के उसको अधमुआ किया और फिर इसकी बेदर्दी के साथ जान ली, उसके जो मुजरिम हैं उनके हक में वहाँ जुलूस निकल रहे हैं बीजेपी की कयादत में, ये इंतहाई शर्मनाक है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। Subscribe to our channel and push the bell icon to get video notifications on your smartphone.